Hi everyone, I'm Akanksha Sharma Vashishth and I welcome you all on my channel. Guys, badhiya wali garmi aa chuki hai aur aise mein we all look for something jo hume cool rakhe aur refreshing si feeling de. Aise mein seasonal fruits works the best. और जब सीजनल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम लोग तरबूज को वाटरमेलन को नहीं भूल सकते. इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ 6 टिप्स जिसकी हेल्प से आप एक परफेक्ट वाटरमेलन अपने लिए सेलेक्ट कर पाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला पॉइंट है शेप. गाइस आपको पता है कि फार्मर्स ने वाटरमेलन को यानी तरबूज को दो तरीके से डिवाइड कर रखा है उनकी शेप के बेस पर. ओवल शेप के जो तरबूज होते हैं दे आर वॉटरी, उनको मेल या बॉय वाटरमेलन कहा जाता है. जबकि जो राउंडेड शेप के वाटरमेलन होते हैं वो ज़्यादा स्वीट होते हैं, इसलिए उनको फीमेल या फिर गर्ल वाटरमेलन भी कहा जाता है. तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से शेप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा वाटरी लेना है या ज़्यादा स्वीट लेना है. नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट का. तरबूज को आप अपने हाथ से उठा के ज़रूर चेक करें. हो सके तो दो अलग अलग सेम शेप के और साइज़ के दो तरबूज लें और चेक करें. जो अच्छा पका हुआ तरबूज होगा वो वेट में अपने साइज़ के हिसाब से हैवी होगा. थर्ड पॉइंट है ऑरेंज और द येलो स्पॉट. वाटरमेलन डेवलप इज प्लॉच व्हेन दे रेस्ट ऑन द ग्राउंड. तो ऐसे में वहाँ पे या तो सफ़ेद रंग का एक स्पॉट देखने को मिलता है जो बाद में कलर चेंज करता है, येलो, क्रीमी येलो या फिर ऑरेंज शेड उसका आएगा. तो आप वही वाटरमेलन सेलेक्ट करें, वही तरबूज सेलेक्ट करें जिसमें क्रीमी येलो या फिर ऑरेंज कलर का पैच दिखाई दे, स्पॉट दिखाई दे. वो वाटरमेलन पका हुआ होगा एंड स्वीट होगा. जो आपको थैलियों पे या मंडी में जो सफ़ेद स्पॉट वाले वाटरमेलन दिखाई देते हैं वो पूरी तरीके से पके हुए नहीं होते हैं, उनको वक्त से पहले ही तोड़ लिया जाता है. ऐसे में आप उसको खाएंगे भी तो मज़ा तो कुछ आएगा ही नहीं. फोर्थ है उसकी साउंड. टैप द अंडरबेली ऑफ द वाटरमेलन, इट शुड साउंड लाइक अ ड्रम. अगर एक डीप हॉलो साउंड आपको सुनाई दे रही है दैट मीन्स वो पका हुआ तरबूज है. जो कि ज़्यादा पका हुआ या कम पका हुआ तरबूज होगा उसमें से एक डल आवाज़ आएगी. नेक्स्ट पॉइंट है कलर ऑफ द स्टेम. छोटा सा तरबूज के ऊपर जो स्टेम होता है उसके कलर पर ज़रूर गौर करें. द ग्रीन कलर ऑफ द वाटरमेलन इंडिकेट्स दैट द वाटरमेलन इज अनराइप. जो राइप वाटरमेलन होगा उसकी जो टेल या जो स्टेम होगी वो कत्थे कलर की होगी, सूखी हुई होगी. इट विल इंडिकेट कि ये प्रॉपरली राइप है एंड स्वीट है. सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेब पैच. आपने बहुत सारे फ्रूट्स में देखा होगा वेब पैचेस. आपने तरबूज में भी वेब पैचेस देखे होंगे, एक ब्राउन कलर का एक पैच होता है मकड़ी के जाल जैसा. जितना बड़ा उस पर पैच होगा वो उतना ही स्वीट होगा. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ वेब लाइक ब्राउन स्पॉट मीन्स दैट द बीज टच द पॉलिनेटिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ऑफ द वाटरमेलन मैनी टाइम्स. द मोर पॉलिनेशन द स्वीटर द फ्रूट इज. आई होप गाइज ये 6 टिप्स आपको हेल्प करेंगे वेन एवर यू आर गोइंग टू द मंडी. जब भी आप तरबूज उठाने जा रहे हैं तो ये 6 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें और फिर तरबूज का सेलेक्शन कीजिए एंड आई एम श्योर आपको एक बेहतरीन तरबूज देखने खाने को मिलेगा. तो इसी के साथ मैं भी अपनी वीडियो करती हूँ एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो. अगर ऐसा है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वाकई काम की वीडियो है. मुझे कुछ 2-3 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मुझे लगा कि ये वीडियो जल्द से जल्द बनानी चाहिए क्योंकि गर्मियाँ हैं, तरबूज के शौकीन बहुत सारे लोग हैं. ऐसे में ये वीडियो उन लोगों को एक अच्छा तरबूज सेलेक्ट करने में हेल्प कर सकती है, उनकी गर्मी अच्छी कटेगी ऐसे में. तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वो बेल बटन ज़रूर दबाइएगा. मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लविंग वंस एंड लिव योर लाइफ म्यूजिकली. दी वेब लग वीडियो करती हूँ एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर ऐसा है अरे एक मिनट चुप हो जाओ. इसी के साथ मैं अपनी वीडियो कर मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में. मैं मिलती हूँ आपसे मेरी